एक बार की बात है, एक समय के लिए एक व्यक्ति के ऊपर शैतान का साया छा गया। उसका पति शैतानी विचारों और कार्यों में उलझा हुआ था। वे अपनी पत्नी के साथ अन्यायपूर्ण क्रूरता व्यवहार करने लगा और उसके आत्मविश्वास, सम्मान, स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। पत्नी जो प्यार और सम्मान के साथ अपने पति के साथ खुश रहना चाहती थी, दुखी हो गई। उसने समझा कि पति का ये बदलाव उसकी परेशानी का कारण नहीं था। वह समझती थी कि ये उसके पति पर शैतान का साया का प्रभाव है और उसके उस साये से मुक्ति करने की आवश्यकता है। इसलिए पत्नी ने बहुत ताकतवर तपस्या के साथ अच्छे कर्मों पर ध्यान दिया और अच्छा कर्म करने लगी। उसने प्रतिदिन शैतानी विचारों को दूर करने की कोशिश की और पॉजिटिव और शुद्ध विचारों को अपने मन में आने दिया। वे ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे उस अपने पति के बुरे व्यवहार और प्रति सहनशीलता और करुणा ने जन्म लिया। जब पति देखा कि उसकी पत्नी में ये परिवर्तन हो रहा है, तो वह उसके दिल में बहुत बदलाव आया। उसे एक आवाज़ बार बार अंदर से उठने लगी कि वह जो कर रहा है उसकी पत्नी के प्रेम और सम्मान का हकदार होना चाहिए, लेकिन उसे वो बहुत गलत कर रहा है। धीरे धीरे पति ने शैतानी विचारों का सामर्थ्य कम किया और अपने पत्नी के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए संकल्प बनाया और वे अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करने के तत्पर था। समय के साथ पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देने लगे और शैतान का साया उनसे जीवन से हमेशा के लिए हट गया और उनके बीच प्यार का एक सुखमय किरणें झलकने लगी। तो इस कहानी से हम सीख मिलती है कि शैतानी विचारों, गंदे विचारों को अगर आप दूर कर देंगे तो आपका जीवन निरंतर बदल जाएगा। उसके लिए देखो कैसे पत्नी ने अपना ध्यान की प्रक्रिया चुनी, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी चीज़ें करी। तो उसके पति ने जब देखा उसे, तो वो पत्नी को बदलते देखा तो खुद को बदलने के लिए वो भी प्रेरित हो गया। तो उसने अपनी पत्नी को इतना प्यार किया कि अब उनका जीवन दोनों का खुशमय रहने लगा। तो हम जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक दूसरे को देखकर वैसी करवट रंग बदलते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए दूसरे इंसान को सही करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।